विधायक और पूर्व वन मंत्री उमंग सिंघार की मुसीबतें और बढ़ सकती है। सिंघार पर रेप का केस दर्ज कराने वाली उनकी पत्नी ने अब सोनिया गांधी को पत्र लिखा है, जिसमें खुद को उनकी बेटी बताते हुए सिंघार से जुड़ी कई विवादित बातें को खुलासा किया है। साथ ही उन्हें पार्टी से भी निष्कासित करने की मांग की है। पीड़िता को खुद यूथ कांग्रेस की पदाधिकारी है और जबलपुर में रहती है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने के दौरान पीड़िता आरोपी उमंग सिंघार के संपर्क में आई थी। इसी साल 16 मार्च को दोनों ने शादी की थी। उमंग धान के गंदवानी से 3 बार से कांग्रेस विधायक है। उनकी गिरफ्तारी के लिए 4 थानों की पुलिस लगातार सर्च कर रही है। उमंग सिंघार के खिलाफ उनकी पत्नी ने रेप का केस दर्ज कराया है। उसने पहले जबलपुर थाने में शिकायत की थी, जहां से धार पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद धार पुलिस ने केस दर्ज किया। विधायक की 38 वर्षीय पत्नी ने अपाकृतिक कृत्य और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के भी आरोप लगाए हैं। विधायक पर रेप अपाकृतिक कृत्य की धारा 376, 377, 498 सहित अन्य धाराओं पर मामला दर्ज किया गया है। लेटर में क्या लिखा था मैं आपको बताता हूं। मैं उमंग सिंघार की पत्नी बहुत दर्द और निराश से लिख रही हूं कि मेरे साथ उमंग ने कई बार गलत किया है, लेकिन इस बार उसने सारी हदें पार कर दी। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको बताना जरूरी है क्योंकि आप पार्टी प्रमुख हैं और आपने हमेशा महिलाओं का समर्थन किया है, उनके आंसू पोंछे हैं, हर उस महिला की मदद की है जिससे जरूरत थी, इसलिए मैं आपसे न्याय की उम्मीद करती हूँ। उमंग सिंघार ने पहले भी कई अन्य महिलाओं के शोषण किया है, जिसमें एक ने कथित तौर पर फांसी लगा ली थी या उसकी हत्या कर दी गई थी। इसकी सच्चाई सिर्फ मुझे पता है। उसकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं था। उमंग के महिलाओं की बातचीत रिकॉर्ड करने का शौक है। वह अपने पूर्व पत्नी के वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करता है और अपने मेरे साथ भी ऐसा ही किया है। अब वह इसका इस्तेमाल कर कुछ ब्लैकमेल कर रहा है। वह धमकी देता है, मारता है, शोषण करता है, परेशान करता है। उसके कई व्यक्तित्व हैं। वह आपके और दूसरे के सामने अलग तरह से रहता है। ऐसे व्यक्ति को पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मैंने उसके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की है। लोकल पुलिस उनकी एसपी से निकटता और पैसे के कारण मदद नहीं कर रही है। मैं कभी नहीं चाहती थी कि ये जानकारी सार्वजनिक रूप से सामने आए, क्योंकि यह मेरी निजी मामला है, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। आखिरकार मैंने उसके खिलाफ केस दर्ज करा दिया। आपको सूचित करना चाहती थी क्योंकि हम दोनों कांग्रेस पार्टी के हिस्सा हैं। मैं राजनीति में आने के बाद इस पार्टी के सदस्य हूँ, इसलिए न्याय की उम्मीद है। कृपया उमंग सिंघार को तत्काल निष्कासित करें, ताकि उसके जैसे अपराधियों के खिलाफ एक उदाहरण स्थापित किया जा सके। केस दर्ज होने के बाद भी सिंघार का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रकार की राजनीति के षड्यंत्र क्यों रचा जा रहा है। जो नेता इस रचे रहे हैं वो इतनी गंदी राजनीति नहीं करे। मैं गंदवानी में ईमानदारी से काम करता रहूंगा। इस महिला को जो जो आरोप लगाए हैं यह हमारा निजी मामला है। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार के खिलाफ ऐसे आरोप लगाता है तो दुख होता है। मैं उनका सामना करता हूं। जिस प्रकार के मैं उन्हें मुझे मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया, उसे लेकर आवेदन पुलिस को दिया था, उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह प्रताड़ना पिछले 6 महीने तक झेल रहा। मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि मैं सुसाइड कर लूं। मैंने जनता की सेवा करना चुना। मैं कोर्ट नहीं न्याय मांग करूंगा।